नमस्कार। आप देख रहे हैं एबी न्यूज और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीमा झा, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है और हिंदी सिनेमा जगत के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर आई है। सुबह हमारी जो गायिका थी, जो जिनमें माँ सरस्वती साक्षात विराजमान रहती थी उनकी आवाज में, उन्होंने उनका आज देहांत हो गया है। जी हाँ, मैं लता मंगेशकर जी का बात कर रही हूँ। तो सीमा झा, आप भी एक सिंगर हैं, आप बताइए कि कैसा, मतलब जो ऐसे तो मतलब हम लोग भारत के सबसे जो बेस्ट सिंगर थी, जिनको कोकिला बोला जाता था, स्वर उनको कोकिला खो दिया है। तो कोकिला हाँ, उनको खो दिया है हम लोगों ने, तो बहुत दुख हो रहा है इस बात से। लेकिन जो गीतों की दुनिया में, आप लोग की दुनिया में क्या चल रहा है अभी? कितनी कितना मतलब हर्टफुल, ये पेनफुल ये सिचुएशन है। ये संगीत की दुनिया में एक एरा का मतलब एक जो एरा जो खत्म होता है ना, वो हो चुका है संगीत के लिए। संगीत के लिए एक दुनिया ही जैसे खत्म हो गई है, क्योंकि जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, लता जी से ही रियाज जन्म लिया है। ठीक है, लता जी ने ही रियाज को जन्म दिया है। लता जी साक्षात सरस्वती माँ है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की और बॉलीवुड इंडस्ट्री की, और आज वो ही चली गई हैं। तो मैं तो सुबह से मैं मतलब क्या ही बताऊं, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, रो रही हूँ सुबह से, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल मन खराब है बहुत ही ज्यादा। क्या बताऊं, सरस्वती माँ को हमने साक्षात सरस्वती माँ को खोया है, और बस उनके गाने के जरिए ही उनको याद कर सकती हूँ, और उनके एक एक गाने में बस उनको महसूस करती हूँ आज तक, और आगे भी करती रहूंगी। जी हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो जी, क्या बोल रही थी आप? हाँ, मैंने यही बताया कि एक एंड ऑफ द एरा, मतलब जो कितने दशकों की महारानी रही है हमारी लता मंगेशकर जी, जी संगीत की जी दुनिया में इन्होंने, संगीत की दुनिया की साक्षात सरस्वती माँ है। और इन्हीं से समझ लीजिए कि सरस्वती माँ के बाद अगर किसी को माना जाता है, दर्जा दिया जाता है, तो वो लता मंगेशकर जी है। और और सीमा जी, बस इन्हीं कली से ही सरस्वती संगीत पूजा था, कली कली सरस्वती, ये सरस्वती कोइंसिडेंस पूजा था। देखिए। और हाँ, ये कितना कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस, है कि जिस दिन माता जा रही हैं वो अपने साथ ही उनको अपने मतलब साथ ही लेके जा ये रही है। लेके चली गई। तो ये वही संगीत की दुनिया के लिए बहुत दुख भरी खबर है। पूरा बॉलीवुड से, बॉलीवुड ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के मतलब पूरा दुनिया इस शोक में भी जी रहा है कि हाँ, लता जी अब हमारे साथ नहीं रह पा रही। नहीं है, नहीं है। बिल्कुल, तो इसे मतलब जो मैं बहुत सारे, जी जी उनके बताइए गाने, बताइए। उनके गाने अच्छे अच्छे गाने भी, मतलब बहुत सैड सॉन्ग्स भी है, और जो खुश खुशी के जो गाने हैं ना उनके, अब तो शायद वो भी खुशी से नहीं निकलेंगे क्योंकि लता जी नहीं रही है। और क्योंकि लता जी के गाने को मैं महसूस करती हूँ, एक एक उनके शब्दों को, वो जो उनका शब्दों का जो पंच आता है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। और लता जी को खो दिया हमने, मतलब मैं क्या बताऊं कि मुझ पर अभी क्या बीत रही है, क्योंकि लता जी जी मेरी आइडल रही है, मेरी आइडल रही है लता मंगेशकर जी। और मैंने एक्स फैक्टर इंडिया शो में उन्हीं के नाम से नाम कमाया है, मुझे लिटिल लता मंगेशकर का खिताब दिया गया था एक्स फैक्टर इंडिया में। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि लता जी का कुछ नाम मेरे, मुझसे भी जुड़ा है। और मैं चाहूंगी कि बस उनके नाम को ही मतलब आगे बढ़ाऊं, और उनके उनका ऐसे ऐसे गाने गाऊं कि लोग खुश हो जाएं। बस अब मुझे उनका बस नाम ही करना है। जी सीमा जी, आपको देख के तो ये लग रहा है कि आप काफी
हर्ट हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही है हमारा जीवन हाँ का सबसे बड़ा ये कड़वा सच पार्ट ऑफ भी लाइफ है। है, पूरा और तो नहीं होता। उनकी तबीयत भी 1 महीने से लगातार बिगड़ रही थी, और 8 जनवरी को तो वो कोरोना संक्रमित भी हुई थी। और लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले वो रिकवर हो रही थी, बट फिर अचानक से कल वो मतलब ये हुआ। और आप बहुत बड़ी फैन है उनकी, ये तो आपके बहुत आंसू बढ़िया, बया लाइफ कर रहे अच्छा हैं बिल्कुल। जी। तो आप बताइए कि उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1929 में हुआ था, 28 सितंबर 1929 में उनका जन्म हुआ था। वो इंदौर की, मध्य प्रदेश के इंदौर से थी, और इंदौर ही कही जाती थी। और बस 5 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उनके पिताश्री जो वो नहीं चाहते थे कि ये गाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने गाना शुरू किया और दुनिया में, संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाया लता जी ने। आज भारत जी रत्न जी है लता मंगेशकर जी, और स्वर को बहुत मिला है सारे बॉलीवुड पुरस्कार संगीत से में। सम्मानित, हाँ बहुत सारे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मतलब हेलो, हाँ हेलो, आवाज नहीं जा निशा रही आई है, कांट हियर यू। हेलो, आवाज नहीं जा रही है, हेलो। नहीं अभी योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। एक सेकंड रुकिए। हेलो, हेलो, नहीं आ रहा है वॉइस आपका। एकदम नहीं आ रहा है, सेकंड। एक्चुअली यहाँ पे ना नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा कैन आई है, इस वजह ज्वाइन से। ज्वाइन अगेन? कैन वी ज्वाइन अगेन? ओके, एक सेकंड, एक बार आप रीजॉइन अब आ रही करिए, है। एक बार आप रीजॉइन करिए। हेलो, हेलो, अब आ रहा है आवाज, एक आवाज सेकेंड आवाज रुके 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 रुके, मैं एक सेकेंड, आप बोलिए तो। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत कम आवाज आ रहा है, क्यों ऐसा? एक बार आप अपना फोन चेक कर लीजिए तो, आप, क्योंकि मेरी आवाज तो रिपीट जा रही है, ऐसा लग रहा है नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। अभी आ रहा है मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हाँ हेलो, क्लियर क्लियर, हाँ क्लियर आ रहा है। मेरा वॉइस आ रहा है? ओके, आपका क्यों नहीं आ रहा है वॉइस? कैन आई ज्वाइन अगेन? एक बार फिर से ज्वाइन करूं? हाँ ओके ओके, जस्ट गिव। कुछ नेटवर्क इशू के कारण आवाज नहीं जा पा रही है। हेलो, हेलो, हाँ निशा, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस यस यस, ओके, आपको आ रही है मेरी आवाज? आपको आ रही है? आ रही है, जी हाँ, तो अब आ सीमा रही है। जी और सीमा कहाँ थे जी आप? कहाँ थे आप? उनके बारे में बता रही थी कि उनका जन्म कब हुआ और वो कहाँ से थी, कहाँ से है वो। जी, उनके फादर वो नहीं चाहते थे कि वो बिल्कुल, सिंगर बने, वो वो गाना नहीं गाए। चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो गाना गाए, लेकिन जब उन्होंने अच्छा सीखा, अच्छा गाने लग गई, तो फिर उनको भी यकीन हुआ कि हाँ शी कैन डू इट, मतलब कि गा सकती हैं, ठीक है ना। और यही नहीं, उन्होंने तो बहुत इतना नाम कमाया कि उन्होंने तो शादी तक नहीं की इस चक्कर में, जी ठीक है, उन्होंने तो शादी भी नहीं की, परिवार को पालने के चक्कर में उन्होंने तो अपना मतलब बलिदान ही दे दिया, खुद
खुद की जिंदगी और का सीमा जी उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था। स्कूल भी छोड़ दिया था। हालांकि उनको हाँ एक्टिंग में भी बेटा मतलब था, इंटरेस्ट था, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया था, गायकी के लिए स्कूल भी छोड़ दिया था। करेक्ट, बिल्कुल। सीमा जी आप बता सीमा जी सकते आप हैं बता उनकी सकते शादी हैं पहला उनकी गाना कौन सा पहला था? गाना कौन सा था? हाँ, पहला गाना उनका बॉलीवुड के अंदर में 1949 में महल मूवी में आया था, आएगा जी आने वाला, जी आएगा आने वाला। जी आप गा सकती हैं दोगे? डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं ऐसे ही गा दूं विदाउट ट्रैक, या ऐसे ही गा दूं मतलब ट्रैक के साथ, या जैसे जैसे जो जैसे जो आपको आपको मैं आपको गाना उनका पहला था जो लता जी। जी। आपके पास के उनका गला जो है ना रुक गया है, इतना रोई हूं ना मैं सुबह से, मतलब लता जी के लिए, जैसे मेरी मम्मी है और वो है, माँ की, माँ का दर्जा ही दिया हमको, तो इतना रोई हूं ना कि गला पूरा पूरा रुंध गया है रो रो कर। लेकिन ठीक है, अभी उनके लिए तो गाना ही होगा ना, उनकी आत्मा को तो कुछ ही देनी जी होगी। पूरे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल के ऐसे उनको क्वीन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी गायकी में इतनी मिठास थी ना, कि मतलब रियाज के लिए वो पागलों की तरह तो रियाज करती थी, ठीक है, जो कोई कर ही नहीं सकता है, जन्मों जन्मांतर तक कोई भी सिंगर ऐसा होगा ही नहीं जो उनकी तरह रियाज करेगा, ठीक है। और उनका जी मतलब स्वर कोकिला ऐसे ही नहीं कहा गया है, जब वो आलाप लगाती थी ना, आलाप ही उनका इतना कमाल का होता था कि कोई भी अगर सुने तो उसमें ही रम जाए, ऐसा आलाप जी लगाती थी। जैसे बेदर्दी बालमा का उन्होंने बड़ा कमाल का, मैं गा के बता देती हूँ, ट्रैक लगा देती हूँ, जरा एक जी एग्जांपल देती हूँ बिल्कुल। आपको। उनके आलाप में और उनके गायकी में ही इतनी मेलेडी थी कि वो मेलेडी क्वीन ही वही कहलाएंगे, और कौन कहलाएगा, वही जी डिजर्व ही करेंगे। जी बिल्कुल, मैं गा के बता देती हूँ। ये उनका बहुत ही लोगों द्वारा पसंदीदा गाना है, बेदर्दी बालमा आरजू मूवी का गाना है। मेरा मन करता है।
गाने भी इतने कमाल थे, कमाल के हैं और हमेशा ही याद रहेंगे। लिटरली बहुत बुरा लग रहा है, तो लाइफ का पार्ट है, इसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। और कोई ना कोई माध्यम तो होता है ना जाने का, कोई ना कोई रीजन जरूर भगवान बना देते हैं अपने आप ही। और लेकिन पांच शादी का साक्षात एक स्वरूप थी लता मंगेशकर जी, और अपनी जगह दी हुई थी और ये साबित कर दिया लता मंगेशकर जी ने, ये साबित कर दिया। और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है ना संगीत की दुनिया में, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि कोई बन ही नहीं सकता है वैसा इंस्पिरेशन, और ना कभी वो ना कभी वो एक दिन की हस्ती थी और रहेंगी वो हमेशा याद किया। संगीत जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो समझ लीजिए कि अगर रियाज करते हैं तो लता जी के गाने को सुनकर ही रियाज करते हैं, ठीक है। एक उस्ताद जी थे तो उन्होंने बोला कि क्या खाती है लता मंगेशकर जी, जो कभी बेसुरी नहीं होती, कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती है। जी उन्होंने कहा बोलने में ही बहुत मिठास था जी। तो ये बहुत हमारे बीच और सीमा जी मुझे गुरु का नाम था, दिल से पुकारना सबसे पुकारना सीखा उस्ताद शायद दीनानाथ मंगेशकर जी ही उनके पहले गुरु थे, जो उन्होंने उनके पिताश्री वही उनके पहले गुरु थे। और उन्होंने बहुत सारे उस्तादों से भी सीखा है, खयाम साहब ने सिखाया उनको, मदन मोहन जी ने उनको ट्रेन किया, बहुत जो म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे इंडस्ट्री के तो वो तो सभी से उन्होंने दीक्षा लिया। एक मैं किस्सा सुनाती हूँ उनके 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 नाम का कि एक बार वो ट्रेन से जा रही थी, एक बार वो ट्रेन से जा रही थी, क्योंकि पहले के जमाने में ना इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपना गाड़ी से मतलब जाए और पैसे दे, मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन उन्होंने वो ट्रेन से सफर करी थी, तो ट्रेन में ही दिलीप कुमार साहब हमारे हीरो जो बहुत फेमस, वो भी अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुए हैं, तो वो उनके साथ ही जा रहे थे। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर भी थे लता जी के साथ, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पहचान करवाई कि ये लता जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बच्ची हैं, अभी नया नया गा रही हैं, छोटी बच्ची हैं, फिल्मों में गाना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार साहब ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है ना कि उर्दू के लफ्ज है ना वो बच्चों के क्लियर नहीं है, मतलब वो एकदम साफ साफ तौर पे सुनाई नहीं देते उर्दू के लफ्ज, उर्दू अच्छा नहीं गाते बच्चे, और वैसे भी ये मराठी है तो शायद ये गा भी नहीं पाएंगे, हो सकता है नहीं गा पाएंगे। तो वो चीज लता जी को इतनी चुभी है ना, वो बात लता मंगेशकर जी को इतनी चुभ गई थी कि उन्होंने बोला कि घर पे गई और उन्होंने एक उस्ताद रखा उर्दू सीखने के लिए,
एक उस्ताद को हायर किया रखा कि मैं सीखूंगी और उर्दू भी सीखूंगी, मैं गाना तो मुझे आता ही है और उर्दू पे मैं काम करूंगी। और आज की डेट में कोई भी गाना आप उठा के देख लीजिए, लता मंगेशकर जी से अच्छा उर्दू शायद ही कोई बोलता होगा, लव्स मतलब उनके इतने क्लियर हैं। और उनके जो गाना कौन सा कौन सा, क्या कह रहे आखिरी गाना, आखिरी गाना तो खैर मुझे तो इतना आइडिया है नहीं इस बारे में कि आखिरी गाना, क्योंकि वो सभी एरा के लिए बहुत फेमस थी, ठीक है, लेकिन शायद उन्होंने आखिरी गाना करीना कपूर जी के लिए ही गाया था, करीना कपूर जी के लिए गाया, यशराज जी की मूवी में, यश चोपड़ा जी की मूवी में, उन्होंने फिल्म में बॉलीवुड का मेरे ख्याल से आखिरी गाना गाया था जी जहां तक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगाना चाहूंगी ये गाना, अभी लगाती हूँ। जी और आज लता मंगेशकर जी की मतलब ऐसा सुने वो, उनकी आत्मा को भी शांति मिले और उनको पता लगे कि हाँ उनके भक्त बैठे हुए हैं, उनके भक्त बैठे जी हैं, है ना, और उनको याद कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हमको हम इसे चुरा लो ना। दिन किसान को मिला है तीन प्रश्न सब ढूंढते हैं प्रोटीन का खजाना। आपको भी पसंद है तो फिर सुनाई दे रहा है, ट्रैक आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। और सारे भी पुरस्कार, कौन से पुरस्कार उन्होंने नहीं जीते हैं ये बताइए जी। और उनके नाम की वो पहली सिंगर थी, अब तो थी ही कहेंगे, जिनके नाम के अवार्ड्स दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम जो लगा जी है ना,
बहुत पसंद किया गया है। तुझे देखा तो ये जाना, ओके ये भी गा देते हैं फैंस के लिए जो उनके फैंस हैं, डाई हार्ट फैन। प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। जी तो आपने बोला कि आप दीवानगी जो दीवानगी है अलग अलग चीज होता है ना ट्रीट करने का, तो ट्रीट करने का बिल्कुल मेरा यही तरीका है उनको गाने गाने गा के शायद वो खुश हो जाए सुनकर और उनकी आत्मा को शायद इसी तरीके शांति पहुंचा सकूं। तो मेरा ये श्रद्धांजलि है उनको, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से और एबी न्यूज की तरफ से भी बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और हमारी ये जो ट्रिब्यूट है जरूर पहुंचेगा उनके तक, मैं यही आशा करती हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ लता जी को करने के जो हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि
आज के दिन मतलब लता जी को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला, और जी थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू। जी और एबी न्यूज़ की पूरी टीम आपको एक तरह से एक गुड विश, थैंक यू भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द टीम, थैंक यू, बाय।